हे गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई है, जो वॉरलॉर्ड इंड के ऑफिशियल लीडर है, उन्होंने क्लैश ऑफ क्लैन खेलना फाइनली छोड़ दिया। और उससे भी ज़्यादा सैड मैं इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे मोबाइल से उनका खुद का आईडी रिमूव कर दिया, ये बोल के कि वो संन्यास ले रहे हैं और उनका बेस कोई यूज़ नहीं करेगा। मतलब देखो, पहली बात, मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लैन पे और कहाँ गया, सोल ऑफ डीमन एक्स जो लीडर वाली आईडी है टाइटन 2 की, ये आईडी टोटली टाउन हॉल 13 की है। डिफेंस भी देख लो, लगभग टाउन हॉल 12 के लेवल पे मैक्स आउट है। इन्फर्नोस वगैरह का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यस, ये आईडी कौन क्विट कर सकता है। मतलब देख लो, यहाँ पे बॉम्बर टावर सब इनएक्टिव है और ये आईडी मैं खुद यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे को नहीं दी है। तो उन्होंने क्लैश ऑफ क्लैन छोड़े करीब हो चुका है उनका एक हफ्ता से भी ऊपर। और गाइस, गुड न्यूज़ क्या है पता है, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे भाई बाहर गए हैं शॉप पे और उनका मोबाइल मेरे पीसी के बाजू में पड़ा है। तो गाइस, आज मैं बहुत बड़ा कांड करने जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बिना परमिशन उनकी आईडी चलाऊंगा। अब देखो यार, ये चीटिंग भी नहीं है, चोरी भी नहीं है। पहली बात देखो, वो लोग वो तो खेलने वाले है नहीं। अब मैं अपने मोबाइल में डाल भी लूं तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका बेस कोई चला भी रहा है। और ऊपर से मैं उनका भाई हूँ यार, बड़े बड़े लोगों का जो होता है वो छोटे लोगों के लिए होता है यार। तो आज हम लोग एक बहुत बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ कौन कौन है, मैं जानता हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ऑफकोर्स मेरे साथ हो गए। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग्स पे और मैं पहले अपने आईडी लॉग आउट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट पे जाऊंगा मैं और सेटिंग्स पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने जीमेल जो वगैरह है उसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करूंगा लॉग इन। और लॉग इन में ना, मैं एक्चुअली मेरे को भैया का ईमेल तो पता है बट ओटीपी उनके मोबाइल पे आएगा और मोबाइल तो मेरे बाजू में है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉग इन पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल है ब्रदर का, भाई का माल फ्री में @gmail.com। अबे दो बार क्यों, एक बार जाना था जी। अबे यार, कैपिटल एम, gmail.com। तो ये सही है, मैं रिमेम्बर एज ऑलवेज डालता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ। अब कोड आ चुका होगा, मैं जाता हूँ पहले कोड लेता हूँ और फिर हम लोग उनके बेस में चले जाएंगे, फिर मजा आएगा। 2 seconds later. So guys, कोड मिल चुका है मेरे को और कोड है 420420। ये कोड कुछ जानी पहचानी से नहीं लग रही है क्या? ओके, वी आर अबाउट टू लॉग इन आवर ब्रदर्स आईडी और पता नहीं उनको पता चलेगा भी कि नहीं। चलो छोड़ो यार, मैं तो लॉग इन कर रहा हूँ। 1 2 3। ओके, हम लोग लॉग इन हो चुके हैं इनका बिल्डर बेस है यार, होम विलेज। यस गाइस, देख लो यार, कब लास्ट अटैक किया था उन्होंने, 3 दिन पहले अटैक करा था बताओ, और अभी तक लॉग इन हुए नहीं है। उनको पता भी नहीं होगा कि वो लोग तो छोड़ चुके हैं। तो मैं ना सबसे पहले इनका लूट कलेक्टर, ओ माय गॉड, कितने लूट भरे है यार इनके बेस में, वाओ। लूट कार्ट में कितना लूट है बे, अबे इतना सस्ता। तो अभी इनके बेस में ट्रूप वगैरह कुकड है, ओ इनके सीसी में ट्रूप है अभी तक। इन पे अभी तक किसी ने अटैक नहीं किया क्या? 11 दिन पहले किया था, 11 घंटे पहले किया था 66%। और इनके बेस में देखा जाए 3 बिल्डर खाली है, 1 बॉम्ब अपग्रेड हो रहा है। देखो, 3 3 बिल्डर कौन खाली रखता है यार इतने अच्छे बेस पे। और एक जंप बॉक्स भी है इधर, ओहो, मैं इसको करता हूँ रिमूव। और कुछ खास नहीं है इनके बेस में वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ से अपने बेस को पहले विजिट करता हूँ। तो ये रहा क्लैन, मैं मेरा बेस कहाँ पे, मेरा बेस कहाँ पे, ये रहा मेरा आईडी। ओह नाइस, देखो यार, ये मेरी आईडी है, मेरी खुद की आईडी है। मतलब इस आईडी से मैं डायरेक्टली इस आईडी में आ गया। तो देखो, पहली बात, ये चीटिंग नहीं हुई ना, स्कैम हुआ, क्योंकि मेरे भाई का आईडी है, ऊपर से वो खेल नहीं रहे, उनको मालूम भी नहीं पता चलेगा। और मैं दबा दबा के इसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज बनाऊँ। और सबसे क्रेजीस्ट बात, मेरे भैया मेरे वीडियोस नहीं देखते तो उनको पता भी नहीं चलने वाला। तो अभी मैं क्या करूंगा, ट्रूप्स वगैरह कुक्ड है, ओ इन्होंने न्यू सुपर ट्रूप को भी अनलॉक कर लिया क्या, वाओ, ओ नाइस। यहाँ पे इन्होंने इन्फर्नो ड्रैगन, मैंने आज से पहले इन्फर्नो ड्रैगन यूज ही नहीं करा। तो यहाँ पे कुक्ड है क्या, यहाँ पे नहीं कुक्ड है, यहाँ पे बेबी ड्रैग कुक्ड है। ओके, चलो एक अटैक करके आते हैं, पता नहीं कौन सा ट्रूप कॉम्बो, यति कॉम्बो है, मेरे को नहीं पता कैसे यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो एक बेस ढूंढ लेते हैं फिर, मेरे ख्याल से ट्रूप कुक्ड है तो बेस ढूंढ लेना चाहिए। और क्लैन गेम का देखते हैं, ओह क्लैन गेम, लो भाई, एक शुरू किया था उसको कंप्लीट भी नहीं किया। यहाँ पे 10 जंप्स मांग रहा है, क्या है, टू विन 2 मल्टीपल बैटल। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, 1 2 3 बूम। इनको पता नहीं चलेगा इनके बेस में जंप था कि नहीं था। चलो ठीक है, अब चलो एक बेस ढूंढ लेते हैं फिर, कोई अच्छा सा बेस मिल जाए बस। तो अभी मेरे को एक टाउन हॉल 13 का बेस मिला है। और सबसे क्रेजीस्ट बात गाइस, इस बेस का नाम तो देखो यार, जोहित जॉन 07। और ये 07 से क्या याद आता है हमें, हाँ भैया, तो कहते हैं लेट्स गो।
तो मेरे को लगता है इसका फैन है बंदा। चलो इस पे अटैक करने वाले हम लोग। भाई ये बेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहली बार मैं टाउन हॉल 13 पे अटैक करने वाला हूँ। मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा मैं कहाँ से अटैक करूँ। यहाँ पे दो विजार्ड टावर है, यहाँ पे दो इन्फर्नो है, यहाँ पे एक सिंगल इन्फर्नो है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना दो विजार्ड टावर की तरफ से अटैक करता हूँ ताकि यहाँ पे ईगल आर्टिलरी रेंज में आ जाए। चलो ठीक है शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा ना बेबी ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन। चलो ठीक है मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रो ड्रैगन को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फिर छोड़ूंगा क्वीन को, क्वीन के पीछे करूंगा चार हीलर को। फिर छोड़ूंगा किंग को, किंग के पीछे बेबी ड्रैग को। वॉल्व रिकर को छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, और पेका छोड़ूंगा, बोलर छोड़ दूंगा सारे के सारे, और बोलर के पीछे तीन माइनर। जायंट बॉम्ब ने बैंड बजा दी मेरे बोलर की। यार हेल्थ लगाओ भाई, हेल्थ लगाओ। ओ माय गॉड वार्डन नहीं छोड़ा मैंने। वाओ वार्डन छोड़ो यार, न्यू हीरो छोड़ो यार। किंग का एबिलिटी यूज, यहाँ पे करूंगा एक रेज स्पेल। टाउन हॉल को ले ले इगल आर्टिलरी को ले ले रे। और किंग अंदर घुस गया है। वाओ इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी भी जिंदा है और अभी भी मेरे ख्याल से मेरे में अंदर उम्मीद है। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे हीलिंग स्पेल डाल दूंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है, पता नहीं क्यों मगर हो रहा है बहुत ज्यादा डैमेज। क्वीन मरने वाली है, मैं क्या करूंगा वार्डन की एबिलिटी यूज कर लूंगा। क्वीन नहीं मरनी चाहिए। और ये आइस गोलम लेके मैं क्यों आया था मेरे को अभी तक नहीं मालूम यार। तो मैं क्या करूंगा फ्री स्पेल डाल दूंगा यहाँ पे, ये मर रही है यार, मर रही है। और यहाँ पे एक रेज स्पेल डालूं क्या? चलो एक रेज यहाँ पे डाल देते हैं। और आइस गोलम क्यों लेके आया था मैं यार? क्वीन मरने वाली है, क्वीन मरने वाली है। मैं यहाँ पे आइस गोलम डाल देता हूँ ताकि क्वीन को डैमेज ना मिले ज्यादा। फ्री स्पेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्सबोस पे जंप स्पेल भी था क्या मेरे पास? वाओ टाउन हॉल 13 में बहुत सारे ऑप्शन है यार। मैं क्वीन का एबिलिटी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे ख्याल से तो हो ही गया 100% ग्रैंड चैंपियन का एबिलिटी यूज। वाओ हम लोगों ने 100% टाउन हॉल 13 पे निकाल लिया। मेरे लिए बहुत इजी था ये बेस। मतलब मैंने सोचा टाउन हॉल 13 है थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन नहीं, हम तो प्रो है भाई, हम तो किसी भी बेस में निकाल लेते हैं 100%। दो स्पेल भी बच गए हमारे। सो यस मैंने इस पे निकाल लिया 100%। लूट भी ठीक ठाक है, उतना ज्यादा भी बुरा नहीं है मेरे ख्याल से तो। ओह स्टार बोनस भी मिला है हमें, वाओ। तो अभी ना मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक क्लैन गेम कंप्लीट हो चुका है, मैं रिवॉर्ड्स ले सकता हूँ। और अभी मेरे पास लूट है नहीं कि मैं कुछ डाल सकूं, लेकिन फिर भी स्प्रिंग ट्रैप। ओके एक स्प्रिंग, अबे यार एक स्प्रिंग ट्रैप क्या कर रहा है इधर, इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और बाकी क्या डाल सकता हूँ? जायंट बॉम्ब, सिर्फ ट्रैप बचे है क्या बे? ठीक है जायंट बॉम्ब के लिए नहीं यार, जायंट बॉम्ब नहीं डाल सकता मैं, क्योंकि अगर मैं जायंट बॉम्ब डाल दूं तो मेरे पास इतने गोल्ड है कि मैं दूसरे डिफेंस को भी डाल सकता हूँ। आर्चर टावर मैक्स हो चुका, अबे आर्चर टावर मैक्स हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। ओह डिफेंस मैक्स करके बैठे हैं क्या यहाँ पे? ओ इन्फर्नोस भी मैक्स हो चुका है, वाओ ईगल आर्टिलरी भी मैक्स हो चुका है। अच्छा अभी ट्रैप्स बचे हैं सिर्फ, ट्रैप्स एंड वॉल्स, कैनन नहीं हुआ अभी तक, कैनन का करना बाकी है अभी। और उसके अलावा विजार्ड टावर, ओके विजार्ड टावर बाकी है, बॉम्बर टावर भी बाकी है। और ये देखो ये लेवल 2 का हो चुका है मैक्स, स्कैटर शॉट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जायंट बॉम्ब को ही डालता हूँ क्योंकि और कुछ मेन चीज तो बची नहीं है। तो चलो 1 2 3 बूम, उनको पता नहीं लगेगा यार हमारे बीच में ये चीज, कोई बताएगा भी नहीं। तो अभी मेरे पास एलिक्सर बचा है, एलिक्सर से क्या कर सकते हैं? ग्रैंड वार्डन कितने लेवल का है? लेवल 46 का, बाय गॉड। और ये ले रहा है 15 मिलियन गोल्ड, आई मीन एलिक्सर। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ बची नहीं है। लेकिन गाइस हम लोग ना इस बेस के साथ एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, टाउन हॉल 13 सीरीज। इस सीरीज का नाम मैं बहुत जल्द अनाउंस कर दूंगा, और हम लोग क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी मेरे को पास बहुत ही तगड़ा प्लान है। फिलहाल के लिए मैं वीडियो खत्म कर देता हूं, उससे पहले कि मेरे भाई आ जाए और देख ले कि मैं इनके बेस पे लॉग इन कराऊं। तो यस यही पे वीडियो खत्म करते हैं, बढ़ते हमारे लास्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंटर्स की ओर। पहला कमेंट आता है, आई वाज फास्टर देन यूट्यूब व्हेन आई क्लिक्ड द वीडियो नोटिफिकेशन कम्स। तो यस मैंने देखा था, एक्चुअली मेरा वीडियो 10:45 को एग्जैक्ट अपलोड होता है, मैंने देखा था आपका सबसे पहला कमेंट आया था, तो इसी वजह से मैंने लाइक भी किया और पिन भी कर दिया यार। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस के लिए वेट करने के लिए, मतलब कोई नहीं करता यार मेरे वीडियोस का भी। नेक्स्ट कमेंट आता है, नेवर वॉच दिस वीडियो व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा क्यों भाई, मैं इतना ज्यादा भी मजाक नहीं करता कि पानी पीते वक्त आप वीडियो ना देख सको, मैं तो फनी भी नहीं हूँ यार। नेक्स्ट कमेंट आता है, डोंट सब कॉड बिकॉज व्हेन ही रीच 1 मिलियन ही विल जंप फ्रॉम टेरेस। नहीं यार मजाक में बोला था मैंने एक्चुअली, बट मतलब फीलिंग वैसे ही होगा ना यार, क्योंकि 1 मिलियन माइलस्टोन रीच करना इतना आसान नहीं है, तो फीलिंग ऐसा ही आएगा कि पागल हो जाएगा कोई भी। तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, भाई के पेट पे हाथ मत मारो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट कमेंट आता है, व्हेन कॉट गोइंग टू मैरी ब्राइड फैमिली, कितने पैसे कमा लेते हो कॉट, इट्स अगेंस्ट पॉलिसी। तो देखो यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली यूट्यूब का पॉलिसी है कि आप पब्लिकली वीडियो नहीं बना सकते कि आप कितने कमा रहे हो, लेकिन यस फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हो यार, इसमें क्या गलत बात है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक मार दो, और मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो क्लैश और टॉन्टर।